तो देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाया किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां की हवा किस तरीके से दम घोटू होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज दिल्ली की क्या स्थिति है, इसी से जुड़ी आपको ग्राउंड रिपोर्ट जतिन की दिखाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर आज भी वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया। सुबह के समय दिल्ली का AQI 332 दर्ज किया, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि सुबह जब सड़क पे लोग निकल रहे हैं तो हल्का धुंध उनको देखने को मिल रहा है। दरअसल ये पोल्यूशन की लेयर है। इमारतें जो आपको दिख रही है वो धुंधी नजर आ रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2 दिन इसी तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रहने वाला है। हालांकि AQI लेवल की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में AQI लेवल और भी ज़्यादा गंभीर होने वाला है, यानी कि जो आज 332 था वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। हालांकि दिल्ली में ग्रैब 2 लागू किया गया है। जनरेटर चलाने पर, डीजल से चलने वाले जनरेटर चलाने पर पाबंदी है। पार्किंग चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि सड़क पे होने वाले पॉल्यूशन से बचा जा सके। आंकड़े ये बताते हैं कि दिल्ली में तकरीबन 11% प्रदूषण सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ये मंशा है कि पार्किंग चार्जेस को बढ़ाकर सड़क पर जो लोड है उसको कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से हवा बहुत कम चल रही है, यही कारण है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो ज़मीनी स्तर पर है। इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लोग अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो प्रिकॉशंस लेकर साथ में निकले, लेकिन आने वाले 2 दिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर होती नजर आएगी। जतिन की रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा प्रदूषित होती जा रही है। अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई है, दिवाली का त्यौहार बीता भी नहीं है और उसके पहले ही 300 के पार AQI पहुंच गया है। समझिए दिवाली के बाद या सर्दी शुरू होने पर क्या स्थिति होगी। अभी से लोगों की हालत खराब हो रही है वायु प्रदूषण की वजह से। रिपोर्ट देखिए। दिवाली से पहले दिल्ली में दम घुटने लगा है। दिल्ली की हवा में जहर फैलने लगा है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है। बिना वायरल खांसी जुकाम पकड़ने लगा है। सर्दियां आती ही हर साल दिल्ली को बुरी नजर लग जाती है। दिल्ली में प्रदूषण की मार ऐसी पड़ती है कि लोगों का दम घुटने लगता है। लेकिन इस बार तो दिल्ली की आबो हवा सर्दियों से पहले जहरीली हो गई है। अभी दिल्ली में ना तो सर्दियों की शुरुआत ठीक से हुई और ना ही दिवाली के पटाखे जलने शुरू हुए हैं। और तो और अभी सर्दियों का सीजन भी नहीं आया, लेकिन दिल्ली इन दिनों धुंध की चादर में ऐसे लिपटी नजर आ रही है मानो दिल्ली के नीले आसमान में किसी ने काला धुआं छोड़ दिया हो। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि पंजाब हरियाणा में बड़ी तादाद में पराली जलाने की घटनाएं देखी जा रही है, जिससे वहां की हवा दिल्ली का रुख करके राजधानी के हालात बिगाड़ रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली का AQI 340 मापा गया, जो बेहद खराब स्थिति का है। कन्नौट प्लेस में प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति को पार कर चुका है। कन्नौट प्लेस का AQI आज 338 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI लेवल 330 दर्ज किया गया। दिल्ली कैंट में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। दिल्ली कैंट में AQI इंडेक्स 339 दर्ज किया गया। दिल्ली इंस्टीट्यूट के पास AQI और ज्यादा खराब हो गया है, जो कि 367 रहा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि सुबह जब सड़क पे लोग निकल रहे हैं तो हल्का धुंध उनको देखने को मिल रहा है। दरअसल ये पोल्यूशन की लेयर है। इमारतें जो आपको दिख रही है वो धुंधी नजर आ रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2 दिन इसी तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर रहने वाला है। हालांकि AQI लेवल की बात करें तो आने वाले 2 दिनों में AQI लेवल और भी ज्यादा गंभीर होने वाला है। सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि दिल्ली के पानी में भी जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली की यमुना नदी में लगातार झाग बढ़ता नजर आ रहा है। आगे दिवाली और फिर छठ का त्योहार है, लेकिन यमुना की सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो वही बढ़ता वायु प्रदूषण दिल्ली के लोगों का दम घोट रहा है। सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों की आंखें जल रही है, तो वही एक्सरसाइज करने वालों को भी दिल्ली के बदलते हवा पानी ने घरों में कैद करने को मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए दम घोटू हवा की वजह से लगातार दिल्ली का जो दम है वो घुट रहा है, लेकिन इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से लोमस जुड़ गए हैं संवाददाता। इसके अलावा हमारे साथ जतिन भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस आपके पास आते हुए, देखिए अभी सर्दी ठीक ढंग से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही प्रदूषण का स्तर देखिए, अभी दिवाली भी आनी है। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी तो सर्दी का सीजन शुरू भी नहीं हुआ और दिवाली भी आने वाली है, और उससे पहले दिल्ली की जो हवा है वो दम घोटू हो चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली का जो AQI की बात करें आज 300 के पार था, और ये 300 के पार होना मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से जो रेड है, और क्योंकि दिल्ली की जनता को ये मालूम है कि हर साल इस तरह की स्थिति बन जाती है, और दिल्ली की सरकार केवल नियम बनाती है, और दिल्ली की सरकार कहती है कि हम नियम बना रहे हैं, उन नियम को अगर दिल्ली की जनता पालन करेगी तो ये AQI लेवल सुधर जाएगी। लेकिन हमने हर साल की भांति इस साल भी देखा कि AQI लेवल लगातार ही खतरे के निशान के पार है, और दिल्ली की जनता को काफ़ी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ वायु प्रदूषण है तो दूसरी तरफ यहां पर जल प्रदूषण भी, आप यमुना की बात कर रहे थे, यमुना में भी प्रदूषण देखा जा रहा है, और छठ पर्व आने वाला है, उससे पहले यहां पर यमुना की अगर तस्वीर हमें दिखाने के लिए विजय को बोलूं तो यमुना की भी तस्वीर काफी दयनीय है। छठ घाट काफी यहां पर प्रदूषित है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहां पर BJP के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को रेड कार्पेट पर इन्वाइट किया जा रहा है, इन्विटेशन यहां पर किया जा रहा है कि आ करके वो देखे छठ घाट की क्या हालत है। ये ITO छठ घाट की तस्वीर है, यहाँ पे दिल्ली के BJP के कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, उनके द्वारा लगातार ही इनवाइट किया जा रहा है आतिशी को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पे पहुँचे और यहाँ दिल्ली की जनता का दर्द समझे। यहाँ पे देखिए कुछ कार्यकर्ता, हम उनसे बात करेंगे, एक तरफ जहाँ वायु प्रदूषण तो दूसरी तरफ जल प्रदूषण भी है। देख रहे हैं आप लोग, देख ही रहे हैं क्या हाल है। आपको पता है 15 दिन बाद छठ पूजा है, और देखिए क्या हाल बना रखा है। जो झूठे झूठे इतने वादे करता है, इतने पैसे लगा रहा हूँ, ये कहाँ है वो सारे करोड़ रुपए कहाँ लगा रखे हैं आप यहाँ के। देखिए हम लोगों को यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू है, और 15 दिन बाद मतलब एक जो छठ पूजा के लोग हैं, छठ मैया, उनको क्या देख रही है ये। हर साल दिल्ली में वायु प्रदूषण देखा जाता है, AQI लेवल खतरे के निशान के पार जाता है, और उसके बाद भी सरकार केवल कहती है कि हम नियम बना रहे हैं। हालांकि उपराज्यपाल के द्वारा भी 16 उन्होंने सावधानी नियम, और साथ ही आप कह सकते हैं एक उदाहरण पेश किया है दिल्ली की सरकार को, उसके बावजूद भी दिल्ली का AQI सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं सुधरने का नाम ले रहा, क्योंकि केजरीवाल जी बिल्कुल भी प्रदूषण के लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस बहाने बनाते रहते हैं कि हम ये स्कीम लाएंगे और ये स्कीम आतिशी हाँ लेकर के आए हैं, आते रहते हैं कि स्कीम बनाएंगे। पहले लोमस आप लोगों से बातचीत करते रहिए, हम लोगों की राय जानेंगे और आगे भी दिखाएंगे कि लोग कह के आ रहे हैं उसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं। जतिन का रुख कर लेते हैं, जतिन गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, जो स्थिति दिल्ली में है वही गाजियाबाद में है, हालांकि 2 से 3 दिन पहले ये कहा गया था कि गाजियाबाद और नोएडा में स्थिति बेहतर है, लेकिन अब 4 दिन के बाद वही हालात है। आज बिल्कुल देखिए, गाजियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दिल्ली का जो AQI है वो लगभग 350 है, और गाजियाबाद भी पीछे नहीं है। आज सुबह जो AQI लेवल गाजियाबाद में दर्ज किया गया वो तकरीबन 280 के पार था, और अब सूरज निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद हम इस वक्त हाईवे पे मौजूद है, और आप देखेंगे कि तकरीबन 500 मीटर की जो विजिबिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बाद आपको हल्का स्मॉग नजर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि हाईवे पर गाड़ियां तेजी से चलती हैं, तो उस चक्कर में जो पॉल्यूशन है वो कटता भी है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि सांस लेने में लोगों को समस्या आ रही है, यहां तक कि आंखों में जलन जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग से जब हमने आज सुबह बात की तो उनका कहना है कि आने वाले 2 दिन और भी खतरनाक रहने वाले हैं। वो खतरनाक किस लिहाज से रहने वाले हैं, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। अगर हवा नहीं चलेगी तो धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सभी जगह स्थिति ऐसी हो रखी है, बल्कि थोड़ी दूरी पर जो जगह है मथुरा मुजफ्फरनगर, वहां पर भी यही हालात नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए गंदी बात वेब सीरीज को लेकर के एकता कपूर एक बार फिर से फंस गई हैं। यहां पर लगातार तमाम मामले सामने आए, कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज में भी रही हैं, लेकिन इस बार जानकारी मिल रही है अश्लील कंटेंट मामले में। आज एकता कपूर की पेशी होनी है, आज उनसे और उनकी माता से पूछताछ करते हुए मुंबई पुलिस नजर आएगी। एकता कपूर से पूछताछ आज मुंबई पुलिस करेंगी, तो गंदी बात की फांस यहां पर एकता कपूर के गले पड़ी हुई है, और अश्लील कंटेंट मामले में आज एकता कपूर की पेशी होनी है। तो पॉक्सो एक्ट में मुसीबत लगातार
बनी हुई है। सत्यप्रकाश मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, आज एकता कपूर और उनकी मां से पूछताछ की जानी है, क्या समय है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को MHB पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है।